केवल गोकुल का ही नहीं, अभी तो बाकी स्थानों से चुराया हुआ माखन भी वो यहाँ रख गया। बहुत ही निराला चोर है ये। इस चोर के विषय में हमें समस्त गोकुलवासियों को बताना होगा। अवश्य यार। देखा दाऊ, जैसा कहा था वैसा कर दिया ना मैंने। हाँ कान्हा, तुमने समस्त गोकुलवासियों की खुशियाँ भी लौटा दी और हम सबको भी बचा लिया। प्रणाम महारानी, महाराज ने आपके लिए उपहार भेजे हैं। महाराज ने हमारे लिए उपहार भेजा है? पिछली बार तो हमें मनाने के लिए महाराज ने कोई प्रयत्न नहीं किया था, इस बार कर रहे हैं। अंततः महाराज को भी पता चल गया कि प्रेम को व्यक्त कैसे किया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि महारानी को दी गई मथुरा नरेश की भेंट अच्छी लगी होगी। महाराज कंस ने मेरा ऐसा घोर अपमान किया है। अद्भुत अद्भुत भेंट दी महाराज ने, मैं भी महाराज के लिए कुछ भेजना चाहती। कृपया करके उपहार महाराज को अवश्य दें। आज इन बालकों को मैं अपने हाथों से माखन खिलाऊंगी और इनके मुख पर पुनः प्रसन्नता खिलेगी, आप देखना। आज मेरी मैया के हाथों का माखन खाके भला ऐसा कौन होगा जो प्रसन्न ना हो। आयुष्मान, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम इन बालकों को माखन खिला सकते हैं? अवश्य। धन्यवाद। मेरी मैया के होते हुए तुम सबको माखन ना मिले ऐसा कभी नहीं हो सकता। चलिए दाऊ, इस क्षण को उत्सव में बदल देते हैं। ये तो उत्तम विचार है कान्हा। कन्हैया 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 आया नंदलाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया। महारानी प्राप्ति आपका उपहार पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई हैं। उसी प्रसन्नता में उन्होंने आपके लिए ये उपहार भिजवाया है। ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है, मैं देखना चाहता हूं उसका ये उपहार। और अपमानित नहीं होना चाहती,
मैं मथुरा की महारानी बनना अस्वीकार करती, मैं आपसे अपना विवाह संबंध तोड़ती। कदाचित आप भी तो यही चाहते हैं, अन्यथा आप अपनी पत्नी को उपहार स्वरूप रिक्त मटकियां नहीं भेजते। अक्रूर, हमने प्राप्ति को रिक्त मटकियां भेजी, क्या ये सत्य है? नहीं महाराज, मैंने सारी मटकियां भेजने से पूर्व स्वयं उनका निरीक्षण किया था, एक भी मटकी रिक्त नहीं थी महाराज। ये कैसे कैसे संभव हो सकता महाराज? मुझे भंडार ग्रह का निरीक्षण करना है। जी महाराज। सारी मटकियां यहीं से भेजी गई? जी महाराज। यहाँ कौन कौन आता जाता है, यहाँ की सुरक्षा कैसी है? खुद ये भंडार गृह अत्यंत सुरक्षित है महाराज, और तो और द्वार पर हमारे सबसे प्रतिभाशाली सुरक्षा रक्षक सजग हैं। बिना मेरी अनुमति के यहाँ कोई अंदर नहीं आ सकता महाराज। महाराज ये पहले तो यहाँ नहीं था, पर छोटे से छिद्र से कौन आ जा सकता है महाराज? कोई वयस्क व्यक्ति भी यहाँ से नहीं आ सकता। कोई वयस्क इस छिद्र से नहीं आ सकता, परंतु वो वयस्क ना होकर कोई बालक हो तो। आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, चित माखन चोर जाके माथे सिर मारे। मुझे क्षमा कर दो बलराम। कान्हा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि ये नकचड़ी मुझसे क्षमा मांग रही है। मुझे क्या पता, आप वृंदा से पूछ लो। क्या कहा? वही जो तुमने सुना। विश्वास नहीं हो रहा, परंतु ठीक है, तुमने कुछ अनुचित भी नहीं कहा। लो मेरी ओर से थोड़ा माखन खाओ। दाऊ, अंततः आपकी और वृंदा की मित्रता हो ही गई। यह हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि हमारी कर हेतु दी हुई अतिरिक्त मटकियां हमें वापस मिल गई। परंतु कल मैंने आप सबको एक वचन दिया था कि यदि मैंने सुबह तक उस चोर का पता नहीं लगाया तो मैं अपनी सारी गैया बेचकर दोगुने कर का भुगतान करूंगा। और मैं उस चोर का पता लगाने में असफल रहा, इसलिए यदि आप लोग चाहते हैं तो मैं अपनी सारी गैया बेचने के लिए तैयार हूं। लेकिन नंद जी, एक क्षण मुझे अपनी बात पूर्ण करने दीजिए। भले ही हम उस चोर को नहीं पकड़ पाए, किंतु मुझे यह ज्ञात हो गया है कि वो चोर कौन है। ये क्यों? पर कैसे पता चला? पकड़े गए। कान्हा, माखन बाद में खाना, पहले ये बताओ कि नंद बाबा को चोर का कैसे पता चला, कैसे? अरे दाऊ, धैर्य रखिए, रिंदा जैसे बर्ताव मत कीजिए। आपको रिंदा की संगत का असर हो गया है, पहले सुनो तो बाबा क्या कह रहे हैं। हाँ, बताइए कौन है वो चोर? वो चोर अन्य चोरों जैसा नहीं है, वो बुरा नहीं अच्छा चोर है। वो हमारे विरुद्ध नहीं
हमारे साथ है और वो हमसे कुछ कहना चाहता है। परंतु ये बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो नंद जी आप? वो इसलिए कि यदि ऐसा नहीं होता तो हमें गोकुल की मटकियों के साथ मथुरा और अन्य गांव की मटकियां नहीं मिलती। कोई नहीं जानता कि वो चोर कौन है, किंतु ये मैं अवश्य जान गया हूं कि वो एक अच्छा व्यक्ति है जिसकी चोरी से सभी गोकुल वासियों के मुख पर मुस्कान आ गई। समस्त गोकुल आनंदमय हो गया है। सत्य कहा आपने आर्य, आज जितना आनंद हमने सभी गोकुल के बालकों के मुख पर देखा, इससे पूर्व इतना आनंदित हमने उन्हें कभी नहीं देखा। हाँ, सत्य। नंद जी, अब आपको अपनी गैयाओं को बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु अभी भी हमें महाराज कंस को दोगुना कर देना है। नारायण की कृपा से कोई ना कोई मार्ग अवश्य ही निकल आएगा नंद जी, लेकिन ये चोर कौन हो सकता है इसकी खोज तो करनी होगी ना। हाँ हाँ, इस चोर को पकड़ने की आवश्यकता है। परंतु किसी को पकड़ने के लिए उसका नाम तो ज्ञात होना चाहिए। मुझे तो वो जो कोई भी है बड़ा ही प्यारा लगता है। हाँ यशोदा, इस चोर ने सिर्फ माखन चुराया ही नहीं अभी तो सभी वो माखन बांटा भी। हाँ जी जी। फिर तो हमें उस चोर को कोई नाम देना होगा। आज से हम गोकुल के इस चोर को इसी नाम से बुलाएंगे, माखन चोर, माखन चोर, माखन चोर। गोकुल में मच गया शोर, देखो रे देखो आया माखन चोर, आया माखन चोर। कान्हा, आज से तुम्हारा नया नाम माखन चोर है। वाह कान्हा, क्या अनोखा नाम दिया है मैया ने। आया नंदलाला 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 नंदलाला, गोकुल में मच गया शोर, देखो रे देखो आया माखन चोर, आया माखन चोर। गोकुल में मच गया शोर, देखो रे देखो आया माखन चोर, आया माखन चोर। जी जी, इन उलझी हुई रस्सियों की भांति एक और बात उलझी हुई है जो सुलझानी होगी। कौन सी बात यशोदा? माखन चोर वाली बात। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो माखन चोर कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा ही है, जैसे कोई बालक। ये भला कैसी बातें कर रही हो आप दोनों? जिस माखन चोर ने पूरे गोकुल को त्रस्त करके रखा है वो भला एक बालक कैसे हो सकता है? नंद जी, मेरा हृदय भी यही मानता है कि वो कोई बालक ही है। वो जानती है कि माखन चोर छोटा बालक है। फंस गए। धीरे बोलो दाऊ। कान्हा, अब बहुत पिटाई होगी। हाँ, पकड़े गए तो अवश्य होगी। पर मैया को कैसे पता चला? दाऊ, मैया के हृदय को तो पल भर में सब ज्ञात हो जाता है। अब क्या होगा? अब दंड मिलेगा दाऊ, और क्या। क्या दंड? परंतु सोचने की बात यह है कि अब आगे क्या योजना बनाए माखन चुराने की। चुप कान्हा, हमें यह दंड मिलने वाला है और तुम्हें चोरी की सूझ रही है। अरे दाऊ, आप कितना डरते हो। पहले उनकी योजना तो समझे, फिर माखन चोरी। चोरी के च का भी उच्चारण मत करना। दाऊ सुनो तो। बोला ना चुप हो जाओ, मतलब चुप। ठीक है, नहीं कहूँगा अब कुछ। माखन चोर की अगली योजना क्या होगी? बालक है जीजी, कोई ना कोई उधम तो करेगा ही। हाँ यशोदा, सत्य का। परंतु उसकी उद्दंडता पर
हमारा उत्तर क्या होगा जीजी? अभी समझाती हूँ। बल, कान्हा, लो अब समय आ गया है हमें दंड मिलने का। अब मुझे भी लग रहा है कि मैया को पता चल गया है कि चोर हम ही हैं। तुझे भी डर लग रहा है? फिर तो एक ही बात हो सकती है। क्या? यहाँ से भागने में ही भलाई है। हाँ, भाग जाओगे? चलो भागो। दाऊ अभी भाग गए तो भी पुनः मैया के पास आना ही होगा। हमें अपना डर अपने मुख पे नहीं दिखाना चाहिए, अन्यथा मैया को भी पता चल जाएगा। कान्हा, बचपन से तुम्हारे और अपने दोनों के भाग की पिटाई केवल मैं ही खाते आ रहा हूँ। मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ ना दाऊ, इसीलिए। तुम क्या समझोगे मेरी व्यथा? ऐसे क्या मुँह लटका रहे हो? किया धरा तो सब तुम्हारा ही होता है कान्हा। बल, आया मैया। दाऊ अब तो आपने खुद ही हाँ कह दिया, अब तो चलना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर। मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी। कान्हा, कान्हा इतनी सारी रस्सियाँ, पक्का इन रस्सियों से बांधेंगे हमें। मुझे भी यही लगता है। अब तक तो बड़ी बड़ी योजना बना रहे थे और अब जब परीक्षा का क्षण आया तो तुम डर गए। अरे दाऊ मैं छोटा हूँ लेकिन आप तो बड़े हो ना। कह दीजिए मैया से कि आपने ही किया है ये सब, मैंने नहीं। मैंने कुछ नहीं किया मैया। अर्थात क्या नहीं किया? वो मैंने कुछ नहीं। स्वयं फंसोगे और मुझे भी फंसाओगे, चुप रहो दाऊ। ये तुम दोनों संकेत में क्या बातें करते रहते हो? और बल कुछ दिनों से देख रही हूँ, क्या बड़बड़ाते रहते हो? आप कहिए ना, क्या हुआ, आपने क्यों बुलाया? मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया कि वो जो माखन चोर है ना, वो कोई बड़ा नहीं, बालक है। परंतु मैया, एक अकेला बालक इतना सारा माखन कैसे चुरा सकता है? कोई बड़ा ही होगा। हमने कब कहा कि एक है, एक से अधिक भी तो हो सकते हैं। मेरी एक योजना है उस बालक से सारे गोकुल का माखन छुपाने के लिए। मैया वैसे योजना क्या है? रुक जाओ अभी बताती हूँ। ये तो हमने पहले भी देखा है, ये तो माखन चोर सरलता से चुरा लेगा। योजना ये नहीं, अब जो मैं दिखाने जा रही हूँ वो है। सारा गोकुल माखन भूमि पर नहीं, इसी प्रकार ऊंचाई पर टांग के रखेगा। अच्छा, मैया को केवल ये ज्ञात है कि चोर बालक है, इसीलिए ये योजना बनाई है। हम दोनों बच गए कान्हा। बल यहाँ आओ, इसे पकड़ने का प्रयास करो।
लगता है अब माखन चोरी नहीं कर पाएंगे। ये तो पहले से अधिक ऊंचाई पर है। दाऊ, ये तो और भी आनंददायी होगा, क्योंकि परिश्रम से चोरी किया हुआ माखन और भी स्वादिष्ट होगा। मैया, अब तो चाहे जो हो जाए, वो माखन चोर माखन चुरा ही नहीं सकता। हाँ बल, यशोदा, हमारी योजना तो सफल रही, अब मुझे विश्वास हो गया है। वो बालक चाहे जो कोई भी हो, गोकुल का माखन और नहीं चुरा सकता। जी जी, चलिए गोकुल में सबको बता देते हैं कि इन रस्सियों से माखन की मटकियों को बांधकर उन्हें ऊंचाई पर टांगना है। हाँ यशोदा, चलो। ये लीजिए माखन की मटकी, इसी से बांधनी है। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? यशोदा रानी तो बालकों को लेकर पहले से ही भावुक है। इन्हें तो हर वस्तु में बालक ही दिखाई देते हैं, परंतु आप भी यशोदा रानी की बातों पे आ गई। परंतु छोड़िए, जिस माखन चोर को पूरा गोकुल ढूंढ रहा है, वो माखन चोर एक बालक होगा, हमें तो नहीं लगता। मैं आप सबकी शंका समझती हूँ, परंतु मेरी केवल एक ही विनती है कि आप मेरी बात पर विश्वास तो रखिए। माखन कोई रत्नाभूषण नहीं, अपितु खाने की वस्तु है। और खाने की वस्तु कोई बड़ा क्यों चुराएगा? वो तो उसे अधिकार से मांग सकता है। तो फिर ऐसा कौन होगा जो माखन के लिए चोरी कर ले? बालकों को माखन अति प्रिय होता है, इसलिए मुझे लगता है कि चोरी छुपे माखन कोई बालक ही चुरा रहा है। अब क्या होगा? तुम्हें माखन चोर नाम मिलते ही तुम्हारा खेल तो चौपट हो गया। अब हमारी टोली का आगे क्या होगा? यदि वो चालाक मैया है तो हम भी उन्हीं के बालक है। हम भी अपनी नटखट बुद्धि लगाएंगे। ये खेल अब हम मैया के साथ भी खेलेंगे।